वीडियो निकल। अय्यर भाई आपने क्या बोला गया, मेमोरेंडम लेने के लिए आ रहे हैं, ये मत करो ना, ये कर रहे हैं आप। वर्दी से मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर के तमाम उलमा इकराम और शिया समुदाय के लोग आज मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरी के चौरे साहब से वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें मेमोरेंडम दिया है। शिया समुदाय के अयाज अहसन और जमीयत उलमा हिंद के मौलाना वहाब कासमी और मुफ्ती अब्दुल बासित और ऐसे तमाम शहर के उलमा इकराम इस मौके पर मौजूद रहे। वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कलाम पाक की 26 आयत और पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की है, देश भर में वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब बढ़ती जा रही है। आज मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने जो उलमा इकराम का डेलीगेशन गया था, इसमें कुछ महिलाएं भी पहुंच गई थीं, जिनके हाथों में वसीम रिजवी के खिलाफ बैनर थे और इन लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद मुमरा पुलिस ने नारेबाजी बंद करवाई और पोस्टर वहां से हटाने के लिए कहा। मुमरा पुलिस का कहना था कि सिर्फ आपने सीनियर से मुलाकात और निवेदन देने की परमिशन मांगी थी, नारेबाजी और पोस्टरबाजी करने की परमिशन आपको नहीं दी गई थी। हालांकि बाद में सभी उलमा इकराम ने मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI दादाहरी के चौरे से मुलाकात की और वसीम रिजवी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया। इस मेमोरेंडम देने के बाद क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। मौलाना क्या कहोगे आप, यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए, क्या मामला है? असल में एक इंसान है जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है और मुसलमानों की हर एतबार से दिल आज़ारी करता है, ख़ासकर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है और हमारे मजहब की भी तौहीन करता है। तो उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर गम गुस्सा है, सारे लोग उसके ऊपर भड़के हुए हैं। तो हमारे शहर मुमरा के अहले तशी हजरात एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे यहाँ पुलिस चौकी के अंदर कि उसके ऊपर FIR हो, तो उन्हीं की तायद में, उन्हीं की हिमायत में हम लोग भी आए हैं और हम उनसे ये कह रहे हैं, जैसे अयाज भाई हैं और उनके जमात के और जो रहनुमा हैं जो यहाँ आए हुए हैं, हम उनके साथ उनके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और हमने कहा है कि आप कहीं भी जाइए, हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और हम आपका साथ देंगे और वसीम रिजवी मलून के ऊपर FIR होनी चाहिए। देखिए, वसीम को वसीम रिजवी ना कह के वसीम रुश्दी कहना चाहिए। वजह यह है कि एक सलमान रुश्दी पैदा हुआ था, दूसरा ये वसीम रुश्दी पैदा हुआ है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और कोई मुसलमान तो छोड़िए, हमारे साथ आज के शिष्टमंडल में हिंदू भी हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी को एक मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसका मुजाहरा आज हो गया है यहाँ पर। तमाम मसलक के लोग, शिया, सुन्नी, तबलीगी, देवबंदी, अहले हदीस, हिंदू, तमाम हमारे दलित भाई भी, सारे लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए। हम लोगों ने एक शिष्टमंडल की शक्ल में चौरे साहब को अपना निवेदन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मौलाना साहब ने भी उस पर उनसे कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, तो एक अच्छा मैसेज मुमरा कौसा में जाएगा। एहसान भाई, आज आप लोग जब यहाँ पर पहुँचे थे उस टाइम पर कुछ पोस्टर लेकर आई थी महिलाएँ और कुछ पुलिस की तरफ से भी आपको रोका गया, कुछ घोषणाबाजी हो रही थी, क्यों रोका गया? आपने जो निवेदन दिया है उसमें क्या मांगने की थी, क्या नारेबाजी नहीं लगा? देखिए, हमारा कोई आंदोलन का प्रोग्राम वग्राम नहीं था, हम लोग एक उलमाओं के साथ एक शिष्टमंडल के तौर पर तमाम लोगों के साथ, एक 25 लोगों का शिष्टमंडल हमारा कमिटमेंट था मुमरा पुलिस स्टेशन को। परमिशन आपको नहीं मिली थी क्या? नहीं, हमने सिर्फ शिष्टमंडल की परमिशन ली थी, हमने कोई क्यों नारेबाजी क्यों? ये लोग आ गए तो किसी की को हम रोक नहीं सकते। पब्लिक अगर आ गई, पब्लिक अपना मुजाहरा पेश कर रही, तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन ये हमारी तरफ से कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये जो था हमारा शिष्टमंडल था, जिसमें माशाल्लाह से जितने लोगों को हमने बुलाया था वो सारे शामिल हुए और शिष्टमंडल को ढंग से हमने सीनियर साहब को भी बता दिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं। जो महिलाएं आई थी आप लोगों ने नहीं बुलाया? नहीं, हमने नहीं बुलाया था कि अवाम को हम समझा सकते हैं, अवाम की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो कोई कहीं पर भी आ सकता है। हर आदमी चाहता है कि वो अपने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
आके खड़े हो जाए, तो इसलिए उनका उनका किया हुआ कदम को हम गलत भी नहीं ठहरा सकते और सही भी नहीं कह सकते। मुफ्ती बाजी साहब क्या कहोगे आप आज यहाँ पे जो मेमोरेंडम किया गया? ये वसीम रिजवी पिछले कई सालों से कुरान करीम के ख़िलाफ़ कभी उलमाओं के ख़िलाफ़ और अब हद बढ़ गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ उसने कदम उठाया, और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस मुल्क में ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया गया है। सलमान रुश्दी हो, उसको मुल्क बदर किया गया, तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश से मुल्क बदर थी, यहाँ पर उनको पनाह देने की कोशिश हुई, उसके ख़िलाफ़ मुसलसल आवाज़ उठी, उनको भी भगाया गया। इसके अलावा कमलेश तिवारी ने अल्लाह के नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको उन्हीं के लोगों ने मार दिया, उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में FIR हुआ था। तो अब वसीम रिजवी इस मुल्क में पनप सकते हैं, अगर कोई दुश्मन ताकत ये चाहती है कि इसके ज़रिए से मुसलमानों को या इस्लाम को बदनाम करें तो ये मुमकिन नहीं है। मुसलमान ज़िंदा हैं, एक ज़िंदा कौम है, मुत्तहिद होकर के इसका मुकाबला करेंगे।